दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों टू साइड ओपन है और टू साइड क्लोज्ड हाउस आप देख पा रहे होंगे। इसकी साइज़ की बात करें 27x50 फिट है, आप देख पा रहे होंगे। फ्रंट की अगर बात करें इस साइड की, तो ये 27 फिट है और इस साइड 50 फिट है। ये 50 फिट की तरफ एक ओपन है और एक आपका फ्रंट में ओपन है। तो यहाँ पर मैंने जो हाउस क्रिएट किया है, बहुत बेहतरीन आपका क्रिएट किया है, विद कार पार्किंग, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर वगैरह। तो इसी मॉडल का जब डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से, तो आप देख पा रहे हैं पूरे मॉडल को बहुत ही बारीकी से आप देख लें। रेलिंग मैंने बहुत जो डिज़ाइन की है, सर देखिएगा, बहुत ही लो बजट और बेहतरीन सा रेलिंग आपको देखने में मिलता है अगर आप टेक्सचर वगैरह ऐसा लगवाते हैं। पूरा हॉल वगैरह सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ग्रीन एरिया, कार पार्किंग एरिया, सारा डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं उपन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, जो कि आप उसे देख कर घर बनवा सकते हैं किसी भी टाइप का। और मैंने दोस्तों एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, आप हमारी पेड सर्विस इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी टाइप का आप घर बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, और वहाँ पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है। तो इस मॉडल को मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसे टेक्सचर वगैरह कैसा आपको देखने को मिलने वाला है। तो रेलिंग की अगर हम बात करें, तो ये देखिए रेलिंग आप देख पा रहे होंगे, ये दो यहाँ पर ग्लास के लगे हैं, झरोखे टाइप का बना दें, राउंड कलर का डिज़ाइन है, ये भी झरोखे टाइप के आपको बाउंड्री में कटे। और ये और इस तरफ की बात करें तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ बीच में ये थोड़ा मैंने डिफरेंट कर दिया है, और ये आपका पूरा डिस्टेंस बनकर आ जाता है। अब अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जो कि आपका फ्रंट होगा इधर से, जहाँ से मेन डोर, जहाँ से आप कार पार्किंग कर पाएंगे। और इस साइड की बात करें तो ये मैंने ऑप्शनल दिया है, यहाँ भी अगर आप कार पार्किंग करना चाहते हो, ये वाला जो वॉल है आप नहीं बनवाएं तो आप यहाँ से भी कार पार्किंग कर पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लोप बनाया है। और चारों तरफ ये सिर्फ आप देखिएगा, इधर मैंने विंडो वगैरह बना दिया है, और एक मैंने डोर यहाँ से दिया है, यदि 4 फिट चौड़ा और 6.5 फिट लंबा है, जो 50 फिट वाली रोड है उस तरफ से, आप मेन डोर भी इसे बोल सकते हैं, इससे आप एंट्री करेंगे तो हॉल में पहुंच जाते हैं, और टू साइड क्लोज्ड है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फ्रंट से। तो जैसे आप फ्रंट से एंट्री करेंगे, कार पार्किंग के लिए बड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है, वहीं पर आपको स्टेयर्स मिल जाती है, और इसी के नीचे कार पार्किंग होगी। इधर आपको ग्रीन एरिया मिलेगा, इसका दिया आपका एक गेस्ट रूम है बड़ा सा, जिसके लिए फ्रंट से विंडो, साथ साथ साइड से विंडो और एक डोर मैंने दिया है। अब मेन डोर से आप एंट्री करेंगे हॉल में, जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं हॉल में, ये आपको हॉल मिल जाता है। इस हॉल के लिए इधर से भी मैंने एक वेंटिलेशन विंडो दिया है, और ये भी एक डोर था 50 फिट वाली रोड से, आप जब एंट्री करते तब भी आप हॉल में आ पाते। अब हम बात करें हॉल में आने के बाद आपका, देखिए ये बड़ा सा किचन आपको देखने को मिल जाता है। इस किचन में मैंने एक दोस्तों बाहर से भी विंडो दिया, आप देख पा रहे होंगे, और साथ ही साथ इस जो कॉर्नर पर बेडरूम, उस पर भी बाहर से मैंने विंडो दिया है। तो ये बड़ा सा किचन। इसके बाद अगर हम बात करें इस साइड, ये लेट एंड बाथ आपका, और पीछे आपके 2 बेडरूम मिल जाते हैं आपको देखने को कॉर्नर पर। इसके बीच में एक लेट एंड बाथ और कंबाइंड किया मैंने, क्रिएट किया मतलब 2 लेट एंड बाथ। ये आपका पूजा घर है, मतलब कि आपको 3 बेडरूम, एक गेस्ट रूम, 2 बेडरूम, एक किचन, 2 लेट बाथ और एक आपका पूजा घर देखने को मिल जाता है। तो इसी प्लान को आज ये इसका पूरा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये टेक्सचर वगैरह आप देख पा रहे होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर को। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है मैंने वगैरह, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर आपका जो लेट एंड बाथ पूजा घर था वो हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, और इसके बाद बालकनी बना दी है मैंने इधर, लगभग 2 फिट का बालकनी, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है। बालकनी में इंटर आने के लिए जो डोर था, मेन गेट आपका नीचे लगा, तो वही आपको ऊपर है, और इस बालकनी में आप टहल पाएंगे। और इस बालकनी से होते हुए आप, ये जो आपका एरिया जो कार पार्किंग वाला था वो आपका बच जाता है, और यहाँ पर स्टेयर्स मैंने हटा दी हैं। अगर आप स्टेयर लगाना चाहते हैं तो जैसा सेम टू सेम नीचे था वैसा स्टेयर जाएगा। तो ये देखिए, जब आप स्टेयर लगा देंगे तो आपका देखिए ये लुक फिर से वही बिल्कुल बन जाएगा। ये आपको बड़ा सा पार्किंग एरिया टाइप का निकल आएगा आगे, जिसको आप बालकनी बोल सकते हैं। और रेलिंग मैंने कि आपको पहले ही बता दिया था, रेलिंग का डिज़ाइन और सारा डिज़ाइन सेम टू सेम है, वही विंडो, वही बेडरूम वगैरह।
सब कुछ आपको वही देखने को मिल जाता है। अब लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर भी सब कुछ वही है सेम, सिर्फ मैंने चारों तरफ बाउंड्री कर दी है और ये वाला जो गेस्ट रूम था उसको एक्सटेंड करके ऊपर भी बना दिया है और सब कुछ सेम है। आप यहाँ पर गुमटी दोस्तों मैंने नहीं क्रिएट की है क्योंकि जो स्टेयर्स हो गई इसको आप ये देखिए पिलर आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आप एक गुमटी बना लेंगे घर में तो आपका पूरा घर क्लोज्ड हो जाएगा। ये 27x50 फीट में हाउस बनाया है मैंने हमारे एक पेड यूजर से उनके लिए। तो मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ऐसा सब वीडियो को लाइक से जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी स्मॉल हाउस प्लान का पेड सर्विस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।